वीरूपा जी आपके दौर में आप सचिन पाजी हम लोगों ने कवर किया देखा है कि आपके कुछ टेक्निक में इशू होता था तो आप मैदान पर घंटों प्रैक्टिस करते थे आजकल ये देख रहे हैं कि अगर किसी की बल्लेबाजी में टेक्निकल कोई इशू है तो वो ग्राउंड पे कम जिम में ज़्यादा दिख रहा है टाइम टाइम की बात है टाइम बदल गया है तो हमारे टाइम में हम लोग ज़्यादा कोशिश करते थे जितना ज़्यादा ग्राउंड पर जितना ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस स्किल्स को इंप्रूव कर सके चाहे वो फील्डिंग प्रैक्टिस हो बॉलिंग हो या बैटिंग हो तो उसको जितना इम्प्रूव कर सके क्योंकि एंड में मेरे वो काम ज़्यादा आनी है जिम वाला काम कम आना हाँ जिम से एक फ़ायदा हो सकता है कि मैं 10 साल के बजाय 15 साल या 20 साल खेल सकता हूँ वो ज़रूर है वो होना चाहिए लेकिन वो बॉडी टू बॉडी होना चाहिए कि अगर मेरी बॉडी अलाउ करती है मुझे इतनी एक्सरसाइज करना या ये जिम वेट लिफ्टिंग करना तो मुझे वो करनी चाहिए नहीं अलाउ करती मुझे पता है मेरे को बैक प्रॉब्लम है या मेरे को नी प्रॉब्लम है मैं सिर्फ उसको मैनेज कर सकता हूँ तो उतनी ही एक्सरसाइज करनी चाहिए आई थिंक स्किल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनी थिंग एल्स क्योंकि बीच में इन टी में एक ट्रेंड ये भी आया था कि अगर आप यू यू टेस्ट फेल हो गए हो तो आप आपको इंडियन टीम में खेलने का मौका नहीं मिलेगा सो so, अगर हमारे टाइम में ये होता तो हमारे बहुत सारे यू नो दिग्गज खिलाड़ी वो टीम का पार्ट ही नहीं होते क्योंकि वो यू यू टेस्ट कभी नहीं पास कर पाते uh, तो वो समय स्किल्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और आज भी स्किल ही है आपको मैच कौन जिताएगा जो अच्छा खेलेगा वो जिताएगा जो अच्छा भागेगा वो जिताएगा सो so, भागने वाला अगर चाहिए तो फिर वो मैराथन में दौड़ा लो उसे क्रिकेट खिलाने की क्या जरूरत है तो मुझे ऐसा लगता है

जब मैंने तीन सौ रन बनाया तो वो हमें लिफ्ट में मिला तो मुझे वो बोला कि यार मैं इस मैच में तो आउट हो गया तुमसे अगले दोनों मैचों में तुमसे आउट ही नहीं होने वाला तुम देख लेना मुझे कैसे आउट करोगे तो मैंने कहा अच्छा तो मैं उसको तो तो कहता था तू डॉन ब्रैडमैन है तो मैं उसको पूरे टूर पे ना डॉन ब्रैडमैन कहता रहा डॉन ब्रैडन क्या हाल है डॉन ब्रैडमैन और उसके उसने ना कोई रन नहीं हो अगले दो टेस्ट मैच में तो जब जब आउट होता था मैं उसको कहता था डॉन ब्रैडमैन तू तो आउट हो गया है तो उसने बाद में हाथ जोड़ लिया कि भाई यार तू मुझे डोन ब्रैंडमन कहना बंद कर मेरी बहुत बेजती होगी अब अब तू मुझे डोन ब्रांडमन तो कभी कभी ऐसा होता है गाली ना देखे कुछ ऐसी बातें भी कह दो जो तो चुभती तो है ना तो फिर उनको ठीक करने के लिए गाने भी गाने लम मतलब अगर जखम दिया है तो लम्भम लम आ, मलम भी तो मैं ही लगाऊंगा तो कभी कभी गाने भी सुना देते थे कामरान अकमल थे या वो याशिर अमी थे शॉर्ट लेग शॉर्टलेक् स्ली बैठते थे तो मैं गुनगुना रहा होता था कहते थे यार हमारे लिए भी एक गाना गुनगुना